राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज हरियाली अमावस्या के दिन मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ हरियाली अमावस्या की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी हरियाली अमावस्या की इस कथा को सुनते हैं उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही भगवान उन्हें सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति करवाते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय हो, पितृ देव की जय हो लिखना ना भूलें। बंधुओं, सावन अमावस्या को हरियाली अमावस कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान तर्पण श्राद्ध अवश्य करें। बंधुओं, सावन मास चल रहा है और सावन मास का प्रत्येक दिन बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि से अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 2021 में 8 अगस्त दिन रविवार को पड़ रहा है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया जाता है। बंधुओं, हरियाली अमावस्या की कथा अब मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ। बहुत समय पहले एक राजा प्रतापी राजा थे। उनको एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उसके कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। तब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम को दिया जलाती, ज्वार उगाने का काम करती थी, रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे, सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को राजा ने सजा दे दी। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल में बुलवा लिया, जिसके बाद रानी खुशी खुशी राज महल में रहने लगी। बंधुओं, अमावस्या के दिन गौशाला में जाकर गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके पितर तृप्त होंगे और आपको खुशियों का वरदान देकर जाएंगे। बंधुओं, अमावस्या के दिन मछलियों को
आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं और कीड़नाल को आटे में शक्कर मिलाकर दें। ऐसा करने से आपके सिर पर यदि कोई कर्ज है तो वह शीघ्र उतर जाएगा। बंधुओं, इन छोटे छोटे से उपायों को करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको अनेकों आशीर्वाद देंगे। बंधुओं, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।